आम आदमी पार्टी ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਢਹਿ ਰਿਹਾ। ईडी सीबीआई दे साडे ते छापेमारी गुजरात दे विच आउण वालियां चोणां दे कारण कीती। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई नूं उहनां दे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दे घर छापेमारी दे दौरान एक पैसा भी नहीं मिले और वो चले गए। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए रेड को, अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई इनके यहाँ क्या निकला। कुछ नहीं निकला इनके यहाँ, पूरी की पूरी फर्जी रेड थी। जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है, ये लोग संदेश भेजते हैं, बोले जी ऊपर से आई है, टॉप से, वहाँ से संदेश ये है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ के 2-4 MLA और ले आओ, हम आपको आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ऑपरेशन लोटस चालू है दिल्ली के अंदर, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरा बोले ये सारे तुम्हारे सीबीआई और ईडी के केस खत्म कर देंगे। तो इसने कहा सीबीआई ईडी के केस में तो कुछ है ही नहीं, सारा फर्जी केस है। कल तुम जांच वांच भी करके ले गए, कुछ भी नहीं मिला तुमने, मैंने ढेला मैंने कमाया नहीं, कुछ करा नहीं, तो इस केस तो तुम करते रहो, मेरे को क्या डर है। वो बोले मंत्री मंत्री सीएम बनने का मेरे को कोई ख्वाब नहीं है, मैं तो शिक्षा मंत्री बन के खुश हूं, बड़ी बात है। सीएम की कुर्सी ठुकराना कोई हंसी खेल थोड़ी है, नहीं तो आदमी तो सीएम की कुर्सी के लिए पता नहीं इतिहास में कितने बड़े बड़े बवंडर हुए हैं, कितने बड़े बड़े। तो सीएम की कुर्सी ठुकरा दी इन्होंने। मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो ऐसे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मिले। उसके बाद जब ये नहीं चला तो फिर आप लोगों के पास आए। मेरे पास अभी तक 12 MLA आ चुके हैं, एक एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, 2-4 को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। भाई साहब सलाम करता हूँ आप सबको। मैं सरकार बनने के बाद गुजरात में इनके 27 सालों की आप इंक्वायरी कराओगे, तब तक ये इंक्वायरी करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भाई गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब सब खत्म, उसी की वजह से हो रहा है। कई सरकार गिरा चुके अभी तक ये देश में, गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, असम की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, बिहार की सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मेघालय की सरकार गिराई। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी गिरा दी, गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी गिरा दी, जनता के पीछे पड़े हैं और सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा जितने टूट के इधर से उधर गए बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी, सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है, पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है, वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है, आपने वेब सीरीज देखी होंगी आजकल काफी आ रही है। नहीं है घर कैसे चलाए, चलाए तो कैसे चलाए वो।
ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है, एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं, इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, दूसरे के दोस्त का कर्जा माफ करना होता है डीजल के दाम बढ़ा देते हैं, अगर गोवा की सरकार गिरानी होती है यहां पे जीएसटी बढ़ा देते हैं। जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में और ये एमएलए खरीदने के अंदर जा रहा है। अब ये कह रहे हैं झारखंड की सरकार गिरने वाली है, देख लेना, शर्तिया तौर पे मैं कह रहा हूं अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जीएसटी या पेट्रोल या डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो बढ़ेंगे, और वो सारा पैसा जो है वो एमएलए खरीदने के लिए जाएगा इनका झारखंड।